वीरस्य महानिस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहो रात्रां सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् विस्तार से प्रणाम किया। सबसे पहले गुरु की वंदना की, फिर संतों की वंदना की, फिर ब्राह्मणों की वंदना की, फिर असंतों की भी वंदना की, खल लोगों की,
बोले ये कहीं डिस्टर्ब ना करे, जैसे मोबाइल बीच बीच में डिस्टर्ब करता है, हाँ भंग करता है काम, ऐसे ही यह खल लोग साधना में कुछ बाधा न बने, उनको सी राम में सब जगह जानी, वो जो भाई इसी प्रसंग में आती है। खल का अर्थ होता है ख और ल, एक संदर्भ बड़ा अच्छा महाराज जी ने अर्थ बताया, बोले जो खाते हैं और लड़ते हैं, ख और ल, खाते किसके लिए, लड़ने के लिए एनर्जी चाहिए। तो यहां पर वंदना में, वंदना के क्रम में बंद गुरु पद पदुम परागा, कल हमने जो भाई पढ़ी, यहां सदगुरु की वंदना की है। गुरु मतलब जो बड़ा हो उसको कहते हैं गुरु, गुरु का विपरीत शब्द है लघु, लघु गुरु। तो जो हमारे से अधिक बड़ा है ज्ञान की दृष्टि से, गुणों की दृष्टि से, इसलिए गुरु गीता में एक श्लोक आया कि गुरुत्वं तस्य शोभते हृदयं निर्मलं यस्य, बोले गुरुत्व उसको शोभायमान होता है, शोभित होता है जो चतुर हो, मतलब बुद्धिमान हो, शुचि हो, अध्यात्म ज्ञानवान संपन्न हो, वो गुरु है। गुरव बहव संति शिष्य वित्तापहारक तम एकम दुर्लभम मन्ये, शिष्य वृत्तापहारक, बोले दुनिया में ऐसे गुरु अनेक है जो शिष्यों का पैसा तो खींच लेते हैं, हरण कर लेते हैं, न ताप कर, ताप कर, लेकिन हृदय का जो ताप है उसका हरण नहीं करते। तो असली गुरु कौन, ताप, जो हृदय में चलन है, हृदय में ताप है उसको हटाए, वो है गुरु। तो यहां पर गुरु के चरण रज की स्तुति है, उनके नख में से जो प्रकाश निकल रहा है उसकी तो कितना यहाँ दीन भाव, गोस्वामी जी में दीन भाव की प्रधानता है, मो सम दीन दीन समान। तो कहते मैं तो गुरु के चरण को स्पर्श भी नहीं कर सकता, इतना मैं अशुद्ध हूं अपवित्र, तो मैं उनके चरण रज को मात्र कर रहा हूं, उनके नख में से जो प्रकाश निकल रहा है उसका कारण मोह अंधकार जो है वो दूर हुआ। भाव यहां पर इतना ही है कि जिसमें लीनता है उसके जीवन में प्रकाश आता है, उसके जीवन में अज्ञान दूर होता है। उभर ही विमल विलोचन ही के दोष दुख भव रजनी के, पहले नंबर दोहे के ऊपर की चौपाई है। चलिए पांचवे नंबर पर जो सोठा है उसके बाद सातवीं दोहे, उभर विमल विलोचन है, हमारे नेत्र खुल जाते हैं, उभर अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम्। तो उसी का यहां फिर आगे लिखते हैं, गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, बोले ये गुरु के चरणों की धूली अंजन की तरह, काजल, काजल लगाने से व्यक्ति बड़ा सुंदर दिखता। माता जी लोग बच्चों को जब काजल लगाती है तो बच्चों को लगता है कि बड़ा अत्याचार हो रहा है, बेचारा जलता है, माँ को बड़ा अच्छा, वाह कितना सुंदर दिख रहा है।
ये अंजन ऐसा है जो आपके आंखों को जलाता है, ये बल्कि शीतल करने वाला है। और बड़ा यह काव्यात्मक चित्रण है, इस अंजन से आपकी दृष्टि ठीक हो जाती है, नजर ठीक होती है। नजर ठीक होती है मतलब क्या? तो बोले गुरु कृपांजन पायो मेरे भाई, राम बिना कछु देखत नहीं। गुरु का काम केवल नजर बदलना है, नजर बदलने तो नजारा बदल जाता है। उलट गई मोरी नयन पुतरी कबीराजी, जगत वही है लेकिन जगत को देखने का नजारा, क्या कहते हैं, नजर दृष्टि बदल गई। ये जो ज्ञान है ये न तो जगत को मारता है न जगत को बदलता है, न व्यक्ति को मारता है, केवल देखने की दृष्टि बदलती। यहां पर वही वर्णन है, जागत राम ही सोवत राम ही, सपने में देखो राजा राम, ये हो गए नजर। तो पहले मित्र शत्रु मेरा तेरा, विसर गई सब तात पराई, जबते साधु संग पाई। नारद जी का बड़ा अच्छा शब्द है, बोले परायापन चला गया जब से साधु की संगत, सब मह रम रहिया प्रभु एके, देख देख नानक बिरसाई, विसर गई सब तात पराई। परायापन बोले हमको एक ही दिख रहा है, ईशावास्तविदम से। तो इस सत्य को प्रकट करने वाला गुरु, शास्त्र में सब कुछ लिखा हुआ है लेकिन हमारे स्वामी ने बड़ी बढ़िया बात कही, गुरु के बिना शास्त्र मौन है, शास्त्र को शब्द मात्र है, शब्द में अर्थ लॉक किए हुए, उसकी चाबी कौन है, चाबी किसके पास है, गुरु के पास। एक एक शब्द को वही खोल के बता सकते, कहते हैं ईश्वर कृपा से गुरु की प्राप्ति होती है, वो गुरु कृपा से शास्त्र कृपा होती है। गुरु ही वो है जो एक एक अर्थ को खोल के बता। तो इसलिए यहां पे गुरु की वंदना, गुरु महिमा ही इतनी है कि उसी पर सात दिन चिंतन हो सकता है, ऐसे गुरु को यहां प्रणाम किया। फिर ब्राह्मणों को प्रणाम किया, जो धार्मिक है, जो सात्विक है, जो आचरण हमको सिखाते हैं। फिर साधु चरित्र शुभ चरित्र कपासु, ये आप पहले दोहे के बाद पांचवी चौपाई को अंडरलाइन कर सकते हैं, साधु की वंदना। अरे साधु कौन है, बहुत सुंदर है, साधु कपास की तरह है। ये कपास क्या होता है, शुभ्र होता है, दिखता है, लेकिन कपास जो है ना बहुत कष्ट सहन करता है, तब जाके उससे वस्त्र की निर्मिति होती है, उसको काटा जाता है, पीटा जाता है, अनेक प्रोसीजर से गुजरता है, तब वो वस्त्र के रूप में आता है। और फिर क्या करता है, अपने शरीर ढकता है। तो साधु का स्वभाव भी ऐसा ही है, नीरस विसद गुणमय फल जासू, जैसे कपास जो उसमें रस नहीं है, रस मतलब कोई जूस नहीं है, नीरस है, लेकिन वो सफेद है, उसमें धागे हैं, गुणमय, गुण का अर्थ है। बोले वो क्या करता है, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, पर छिद्र को छिपाता है हमारे शरीर के, और ऐसा ये बंधनी है, यही जगह सुखावा, ऐसा साधु बंधनी है। लेकिन साधु शब्द का अर्थ ही होता है पर कार्य साधनों की, साधु जो दूसरे के कार्य में मदद करे, तो साधु
साधु मतलब अच्छा, संस्कृत में कहते साधु साधु, जब कोई शास्त्रार्थ चलता है कोई अच्छा बोलते साधु साधु, संगीत में बोलते क्या बात है, कोई अच्छा तान या आलाप क्या बात है, लेकिन जिसको संगीत मालूम नहीं वो देखता है उसकी ओर बोलता क्या बात है, उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या बात हो, क्या बात है, कितना बढ़िया कितना सुंदर कितना अच्छा, तो संस्कृत में उसको बोलते साधु कितना सुंदर बात, तो जिसका व्यक्तित्व अच्छा है सधा हुआ है तो वो साधु। महात्मा जी बता रहे थे लेकिन समाज में साधु का अर्थ बच्चों के मन में कुछ अलग ही डाल दिया जाता है, चुपचाप हो जाओ नहीं तो साधु बाबा पकड़ लेंगे। वो महात्मा जी कहने लगे बोले ये जब हमने सुना तो हमको ये नई जानकारी मिली कि हमारा उपयोग बच्चों को चुप कराने के लिए भी होता है, और बोले हमारी फोटो खींची और जब भी वो रोए बच्चा देखो ये बाबा जी पढ़ने, बोले अभी तक तो लोग हमारी पूजा करते थे लेकिन ये नया संस्कार नहीं डालना चाहिए, इसलिए स्वामी जी लोग को देख के बच्चे लोग भागते अरे बाप रे कौन आ गए, साधु की ऐसी इमेज छवि बन गई, परित्राणाय साधु नाम भगवान कहते साधु की रक्षा के लिए मैं आता हूं, मतलब ऐसे जिन्होंने अपने जीवन को सजाया है बनाया है, तो ऐसे साधु खुद कष्ट सहन करते हैं और दूसरे का कष्ट दूर करते हैं, ऐसे साधुओं को प्रणाम। अब संत लोगों की वंदना मुद मंगलमय मुद मंगलमय संत समाजो, मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीर्थ राजो, राम भक्ति जन सुर सरिहारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेधमय कलिमल हरणी, हरिहर कथा विराज त्रिवेणी, सुनत सकल मुद मंगल, संत को प्रणाम। और बोले संत लोग कौन है, तो कहते हैं तीर्थराज से भी बड़े हैं, तीर्थराज प्रयाग सारे तीर्थों का राजा, यहां त्रिवेणी संगम प्रयागराज, बोले उस प्रयागराज में कठिनाई ये है कि वहां आपको जाना पड़ता है, सुलभ तो है नहीं उस, तो बोले कोई बात नहीं आपको यदि संत मिल जाए ना तो संत भी तीर्थराज से कम नहीं है, तो बोले वहां तो तीन नदियां हैं, संत में कहां से तीन नदियां, बहुत प्यारा वर्णन है, बोले संत में भी तीन नदियां हैं, राम भक्ति जन सुर सरि धारा, उनके भीतर जो भक्ति का प्रवाह है संत के जीवन में, भक्ति बोले वही गंगा है, जो कर्म कथा है मतलब जो कर्म कर रहे हैं वही क्या है यमुना जी, और जो उनमें ज्ञान की धारा है वही कौन है सरस्वती है, और आपने देखा है सरस्वती गुप्त है दिखती नहीं है, ऐसे ही साधु संत एकदम ज्ञान देते नहीं गुप्त रखते, कोई पूछता है तभी वो
बोलते हैं नापुष्टकस्य भूयात्, ये सिद्धांत है। तो गंगा यमुना सरस्वती साधु में भी है, भक्ति हो गई गंगा, कर्म यमुना और ज्ञान सरस्वती। और कहते हैं ये जो तीर्थराज है ये मोबाइल तीर्थराज चलते फिरते जंगम मुदमंगलमय संत समाजु जो जगह जंगम तीर्थ जंग स्थावर मतलब जंगम पर चल जाए। और ये प्रयागराज हर दिन सुलभ है, संत तो हर दिन सुलभ, आप तुरंत जा सकते हैं कहीं भी जा सकते हैं। और यहाँ पे एक बड़ी सुविधा है, उधर प्रयागराज में जाए तो वहां जरा पंडित भी काफी मिलते हैं, गंगा जी के बीच में संकल्प करो अभी जरा कहीं नहीं जा सकता, चारों ओर पानी। इस तीर्थराज में ये कोई कठिनाई तो बहुत सुंदर। देखिए एक एक यहाँ पे चौपाई ऐसी है कि चिंतन के लिए काफी कुछ है, लेकिन हमको तो आगे आगे चलना है। तो ऐसे संतों को भी प्रणाम। फिर आगे यहाँ पे वर्णन है कि देखो ये संतों का संग यदि किया जाए, जैसे वहां पे त्रिवेणी में आप स्नान करते हैं आपके पाप धुल जाते हैं। बोले यहां पर दूसरे नंबर का जो दोहा है उसके बाद की चौपाई, मज्जन फल पेखी तत्काल काप होई पिक बहु मराला। वाह, बोले तत्काल फल मिलता है वहां पे स्नान से पाप धुलते हैं, यहां संत का संग करने से, इस तीर्थराज में स्नान करने से, मतलब संत का संग करने से क्या होता है, व्यक्तित्व पूरी तरह बदल जाता है। काक होई पिक, काक मतलब कौवा, पिक मतलब मोर। कौवा जो है वो कर्कश बोलता है, उसकी वाणी में कोई मिठास है, लेकिन वही हाँ कोयल, सर पिक मतलब मोर नहीं कोयल, कोयल की तरह वो मीठा बोलने लगता है। अरे शिविर के पहले तो ऐसा नहीं बोलते, शिविर के बाद एकदम बदल ऐसा होना चाहिए। तो सत्संग सभा काक होई पी और बकौ मराला, जो बको मतलब बगला, बगुला क्या हो जाता है हंस, बगुला जो है दंभ का प्रतीक, दिखता है सफेद और एक दिन ऐसा बैठा रहता है लगता है कि एकदम ये समाधि लगाए हुए, लेकिन जैसे एक मछली आती है एकदम, मतलब मछली के लिए उसकी एकाग्रता थी, भगवान ने ध्यान वो नहीं करना, दम्भ है वो मराल मतलब हंस, तो कहां तो बगुला और कहां तो हंस, हंस की तरह विवेकी हो जाता है व्यक्ति, ये तो दोनों में फर्क ये हो गया। सत्संग का परिणाम जीवन में से दम्भ जिसमें विकार है वो बदल के विवेक का जागरण। बगुला और हंस दोनों दिखते सफेद है, इसलिए वो है ना हंस श्वेत बक श्वेत ओ भेद बक हंस यो नीरक्षीर विवेक है तो हंस हंस बक होता। दोनों दिखने में सफेद है लेकिन दोनों के सामने जब आप दूध रखेंगे तब मालूम पड़ेगा कौन बगुला है कौन हंस है। विवेक का सामर्थ्य हंस है, इसलिए संत लोगों को कहा जाता है परम हंस। हंस तो दूध और पानी को अलग करता है नील रखे, लेकिन परम हंस नित्य अनित्य आत्मा अनात्मा जड़ चेतन इसका विवेक है। तो कहते हैं संत का संग ऐसा उच्च परिणाम देने वाला है। और यहां पे एक चौपाई बहुत ही प्रसिद्ध है, कहते मति की रति गति भूति भलाई, दूसरे दोहे के बाद पांचवी चौपाई बहुत ही अद्भुत है। बोले जीवन इस जगत में यदि किसी के पास अच्छी बुद्धि है तो जान लीजिए उसने कहीं ना कहीं सत्संग किया होगा,
पांच चीजों का सोर्स सत्संग है, अच्छी मति, अच्छी गति, अच्छी कीर्ति। कीर्ति व्यक्ति की तभी होती है जब वो सत्कर्म करता है। सत्कर्म की प्रेरणा उसको कहां मिलेगी? सत्संग में। तो फाइनली यू कम टू वन पॉइंट, विदाउट सत्संग ये चीजें मिल नहीं सकती। कहीं ना कहीं किसी न किसी जन्म में उसने जरूर किसी संत का सत्संग किया। मति, कीर्ति, गति, भूति, विभूति, वैभव, भलाई, अच्छा करने का एक जज्बा होता है, अच्छे करने में उत्साह होता है। वो बोले कहां से मिला? बोले वो संत ने ऐसा प्रवचन दिया कि एकदम हम जाग गए, सोए हुए थे। भलाई करने की एक प्रेरणा मिली। तो जब जे ही जतन जहां क्या लेते हैं, जब भी कभी भी किसी को ये पांचों चीजें मिली है तो जान लीजिए कहीं ना कहीं संत का आशीर्वाद। सो जानव सत्संग प्रभाव लोक वेदन आन उपाव। देखो निषेध भी कर दिया, दूसरा कोई उपाय नहीं। जैसे अंधकार से दूर, आपको अंधकार को दूर करना है तो एक ही उपाय है, प्रकाश में सत्संग की इसी महिमा है। और ये पंक्ति तो बड़ी प्रसिद्ध है, बिनु सत्संग होइया के राम कृपा बिनु। तो हम यहाँ पर आज बैठे हैं, ये जो योग बना है समझ लीजिए हम पर कृपा है, तभी ये सत्संग का एक अवसर हमको मिला। हम अपनी पीठ ठोक सकते हैं, जरूर कोई पुण्य किया होगा, भगवान ने हमको यहाँ ला के बिठा दिया। नहीं तो देखिए हजार लोगों को ही मालूम पड़ा ना शिविर, लेकिन कुछ सिलेक्टेड बनाऊ इनका चुनाव भगवान ने किया। बिनु हरि कृपा मिलाई कृपा। देखो लोग प्राय कृपा को कैसे नापते हैं, प्रमोशन हो जाए बोले भगवान की बड़ी कृपा है, बिजनेस में प्रॉफिट हो जाए बहुत कृपा है। लेकिन असली कृपा का लक्षण क्या है? सत्संग। संत संग और हरि कथा जग में दुर्लभ तो है, सुध दारा और लक्ष्मी पापी के भी हो, लेकिन संत संग और हरि कथा जग में दो। ये यहां पर इस तरह संग संत की वंदना की, संत संग की वंदना। बोले सठ लोग सुधर जाते हैं, पारस परस दुहा सुहाई। इसे पारस के स्पर्श से लोहा क्या बन जाता है? स्वर्ण। इस तरह यहां पे ये वर्णन हुआ। और छठे दोहे में आप देखिए यहां पर लिखते हैं कि इस जगत में जड़ चेतन गुण दोष मयो विश्व कीन तरकार संत हंस गुण धरि पर परिहरि बारि विकार सियावर राम चंद्र की जय पवन सुत हनुमान जब ये जय जयकार आओ ना तो जरा सब लोग जोर से बोलिएगा सियावर रामचंद्र की जय। जो सो रहे थे जाग गए ना, भगवान तक आवाज पहुंची। जब भी ये आएगा तो जरा याद रखिएगा। तो यहाँ पर संत की वंदना करते हुए हैं कंक्लूड करते हैं सोमवार। बोले इस दुनिया में द्वंद्व द्वंद्व बहुत है, गुण दोष में पूरा जगत गुण दोष में, लेकिन संत क्या करते हैं गुण गुण को ले लेते हैं। वह
परिहरिवादी विकार, ये गुणग्राही व्यक्ति को होना चाहिए, ऐसा है। उसके बाद आगे सभी लोगों को प्रणाम करते हैं, जो जो भी है साधु असाधु श्री राम है सब जगह जानी। सातवें दोष के बाद दूसरी चौपाई आप देखिए, श्री राम है सब जगह जानी करो प्रणाम जोरी गोपाली। बोले मैं सबको सीताराम मान के प्रणाम करता हूँ। ये देखिए ये वंदन बनती है व्यक्ति मान के नहीं, सब लोग मूलतः कौन है वही तत्व है वासुदेव सर्वविधि। जब साधु एक दूसरे को प्रणाम करते हैं तो क्या बोलते हैं, ओ नमो नारायण। अब व्यक्ति ने कहा मेरा नाम नारायण कोई है, आपने ने कहा अरे तुम्हारे भीतर नारायण है उनको प्रणाम कर रहे हैं, रमेश सुरेश दुरेश इनको नहीं प्रणाम कर रहे नारायण। हम लोग कहते हरिओम, व्यक्ति का नाम पूछे लेकिन किसको प्रणाम, हरिओम। आकाशात प्रतिगंधोऽयम् यथा गच्छति सागरम् सर्वदेव नमस्कारम् केशवम् प्रतिगच्छति। जैसे आकाश से पानी गिरता है तो अंततः जाता है समुद्र में, ऐसे हम किसी को भी प्रणाम करें अंततः मिलता उसी परम तत्व, तो यही मान के मैं सबको प्रणाम करता हूं। इसके बाद गोस्वामी जी अपनी थोड़ी कविता की बात करें। बोले ये जो मेरी कविता है ये कविता में कविता का एक भी गुण नहीं है, नहीं तो कोई छंद है न रस है न मैं। बोले जो कवि लोग हैं लौकिक कवि लोग वो इसको पढ़ के हंसेंगे निंदा भी करेंगे, लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं मुझको इसमें कोई बुरा नहीं लगता, कोई चिंता नहीं। बोले तो एक ही चीज है इस कारण मेरी कविता में शोभा बढ़ गई सुंदरता बढ़ गई, और वो क्या है, बोले राम यही महर प्रभुपति नाम उदारा। बस नवे दोहे के बाद पहली दो, इसमें नाम ही है जिस कारण से ये, भले इसमें कोई कवित्व के गुण नहीं है लेकिन बस एक ही सारे सब सदे होते हैं। भाई आपने भोजन बनाया सब कुछ बनाया लेकिन नमक नहीं डालो, बस एक ही चीज तो नहीं खाई है, हाँ हाँ उस नमक से ही गड़बड़ हो जाता है, नमक डालते ही चेहरे पे चमक आ जाती है। रोटी के साथ आप नमक के साथ रोटी खा सकते हैं, देखो बाकी तो फीका फीका। तो एक चीज देखिए कीमती होती है, के ही महा रघुपति नाम। और अपनी कविता के बारे में इतना उन्होंने लिखा है अपने ज्यादा बोलता नहीं, लेकिन बस राम जी के प्रताप के कारण ये कविता वंदनीय हो गई। ये वर्ण सिद्धवाणी में एक बार यहीं पर पूज्य गुरुदेव शिविर ले रहे थे, और वो शिविर में अपने पूज्य गुरु जी स्वामी तेजोबैन जी पधार रहे थे, उस समय अमेरिका में आए थे। तो गुरुदेव ने कहा उनसे कि आप रामायण पढ़िए, रामचरितमानस की कक्षा है हिंदी में, और गुरुदेव तो इंग्लिश में बोलते थे, सारे सुनने वाले इंग्लिश में। तो वो सब लोग बोलने लगे कि हम तो ये हिंदी प्रवचन में जाएंगे नहीं, क्योंकि हमको कुछ भी समझ में आएगा नहीं। गुरुदेव ने कहा नथिंग डूइंग यू हैव टू अटेन, बट विल नॉट अंडरस्टैंड। गुरुदेव ने बहुत ही प्यारी बात की, उन्होंने कहा अरे आपको दूसरा कुछ नहीं समझ में आएगा ठीक है, लेकिन बीच बीच के उधर राम नाम आएगा वो तो समझ आएगा, कथा का सार क्या है नाम। ये देखो महात्माओं की कैसी दृष्टि, बीच बीच में राम आएगा वही काम का है, गोस्वामी यह वही यही मारूपति नाम और मंगल भवन अमंगल हारी द्रव सदस्य। तो आपको सुनते हैं आपको याद हो मंगल भवन अमंगल हारी,
वास हित देहि जपत पुराहि। दो चौपाई है, दूसरी है मंगल और अमंगल आई द्रवौ सुदर्शन अजर दिया। तो यहाँ पे क्या है, वास हित देहि जप। अब कहते हैं अपनी लिखते हैं, यद्यपि कवि तरह से एक हो ना ही राम प्रताप प्रकट ही। मेरी कविता कुछ भी नहीं है, राम जी का प्रताप यहाँ प्रकट हुआ है। देखो कविता किसको कहते हैं, काव्यम, रसात्मकम वाक्यम काव्यम। जिस कविता में रस हो वही वास्तव में कविता है, जिस वाक्य में, वाक्य बिना रस के तो गंदे हो। यहां पर गोस्वामी कहते हैं हमारी इस कविता में राम रस है, राम रस, विषय रस नहीं। विषय रस फीकी आरती में बोलते हैं, कलिमल हरनी विषय रस फीकी। तो विषय व्यक्ति को तो यहां कोई रस आने वाला नहीं है, लेकिन भगत तो को इसमें बड़ा मजा आएगा। ये ऐसी कविता है, ये लौकिक कविता नहीं। गोस्वामी लिखते हैं सरस्वती जी जब देखती है कि हमने इनको बुद्धि दी कवि लोगों को, और ये दुनिया के लोगों की ही बस कविता गा रहे, तो ले सिर धुनी धुनी पछताई। सरस्वती पछताती, अरे हमने बुद्धि दी, वाणी दी, कला दी, और इसे दुनिया की बात कर रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं हम तो इसे राम नाम गए, और कहते हैं जो बालक कह तो तरी बाता सुने ही मुदित मन पितु अरुमा। जैसे छोटा बच्चा होता है जो तुतला हट होती है, उसको जब वो बोलता है तो माता पिता बड़े खुश होते हैं, उन्हें वाह। गोस्वामी जी कहते हैं हमारी ये कविता भी बालक की तोतली बन, और हमारे माता पिता सीताराम जी बड़े खुश होते हैं, बोले वाह बच्चा बढ़िया कर। देखो माता पिता को कितना मजा आता है, थोड़ा सा भी कुछ बोल देता है। हम लोग घर में जाते हैं, स्वामी जी ये हरिओम बोल रहा है, हरिओम, स्वामी जी गुरु स्तोत्र बोल रहा है, अखंड मंदगा पाप ज्ञानांजन चला गया। हमें वाह कितना शुद्ध होता है, वेरी गुड। यहाँ गोस्वामी बताइए रामायण की तुलना उसे विनम्रता है, ऐसी एक कविता है। फिर यहां कहते हैं अब इस कविता में जिस राम जी का वर्णन किया जाने वाला है वो राम कौन है। तो अब यहां कहते हैं बीज रामायण, बीज रामायण ये आता है बारहवें दोहे के बाद तीसरी चौपाई। यहां पर रामायण का बीज यही वहीं से रामायण निकली, रामायण का विस्तार हुआ। जरा पढ़ता हूं बारह के बाद तीसरी जो है, एक निहरूप नामामि, एक निहरूप अज सच्चिदानंद परधामामि, व्यापक विश्वरूप भगवान, तेहि धरि देह चरित कृत नाम। सो केवल भगत नहि तनागे, परम कृपाल प्रणत अनुरागे, जय जन पर ममताति छोहु, जय करुणा करे किन्न कोहु, कह रहे हैं
एक अनीम अरूप अनामा। मूल में प्रभु राम कौन है, बोले एक है, एकमेवा द्वितीयम। भगवान दो तीन प्रकार के नहीं होते। हिंदू धर्म पर लोग आक्षेप करते हैं, बोले आप क्या मालूम नहीं कितने देवता हैं, भगवान है, देवी सरो। लेकिन ध्यान रखना ईश्वर एक ही है हिंदू धर्म में भी। एकेश्वरवाद है अपने यहाँ, लेकिन अनेक देववाद है, देवता अनेक है, ईश्वर एक। एक का अर्थ बड़ा अच्छा है, एति सर्वत्र गच्छति इति एकम्। जो व्यापक है ना उसको मैं एक, मैं व्याख्या करने जाऊंगा तो बहुत, जो व्यापक है वो है एक। जैसे संख्या होती है ना दो तीन चार पांच, उन सारी संख्याओं में कौन व्याप्त है, एक। चाहे दो बोली तीन बोली पचास बोली, सब क्या है, एक के ही रूप है। राम नाम एक अंक है, सब साधने शून्य, अंक गए के चुहात नहीं, वही शून्य के शून्य। छेक लिख दिया तो चार पांच शून्य। हमने देखा बड़ा खुश हो, वाह बढ़िया डोनेशन मिला है, लेकिन एक आंकड़ा लिखा ही नहीं है। चाहे अनंत शून्य भी लिख नो रहेगी, लेकिन एक शून्य और क्या एक हजार दस, दो शून्य सो तीन, तो लेकिन जगत भी उस एक के बिना सुना सुना है। तो एक अनी, अनीय का मतलब होता है जिसमें कोई इच्छा नहीं। आप तक आवश्यक का सुना, जो स्वयं तृप्त है उसमें इच्छा किसे है। अरूप, उसमें कोई रूप नहीं है। रूप मतलब सीमा है ना, बाउंड्री, उपाधि, रूप, कोई रूप नहीं है, कोई नाम नहीं है, रूप नहीं है तो नाम भी नहीं। और अजन्मा, अज बोले हम लोग तो रामनवमी को मनाते हैं उनका जन्मदिन, जन्मदिन नहीं होता, वो प्राकट के दिन होता है, आगे आएगा देखेंगे। भय प्रकट वाला प्रकट, जन्म और प्राकट प्रकट। तो ऐसे ये परमात्मा है सच्चिदानंद, जिनका लक्षण है, जिसका कोई नाम नहीं, जिसका कोई रूप नहीं, लेकिन वही सोई देह नहीं, भगत नहीं, इतना अवतार का प्रसंग होगा तो देखेंगे। वह अनाम अरूप, नाम और रूप वाला हो जाता है। और जब भगवान लेते हैं अवतार तो इतने नाम और इतने रूप, बोले गिनते रहो सहस्र नाम, विष्णु विष्णु नितारो भूतलो भवतु, कितने अवतार है भगवान के। तो भागवत में लिखा है कि आप एक बार धूल के कण गिन सकते हैं, लेकिन भगवान के अवतार नहीं गिन सकते, इतने रूप ले। तो ऐसे ये भगवान जो मूलतः निरुपाधित है वो क्या हो जाते हैं, सोपाधित, विराधि, उपाधि रहित है, निर्गुण निराकार है, वही क्या बन जाता है, निराकार। तो ये मूल है। और कहते हैं वह गरीब निवार, वाह गोस्वामी भी बहुत प्रिय लगता है, बोले गरीब लोगों को भगवान बड़े प्रेम करते। गरीब निवास, उन्होंने दोहा में लिखा है कि मणि माणिक महंगे के सहंगे तृणधन लाल, एते तुलसी जानिए रघुवीर गरीब निवास, राम गरीब निवास। तो बोले देखो भगवान गरीबों से प्रेम करते हैं, इसका प्रमाण क्या है, तो कहा मणि माणिक मोती ये सब बड़े महंगे कर दिए, और सस्ते क्या बनाए, अन्न जल पानी वायु, जो गरीब व्यक्ति भी अफोर्ड कर सके। और देखिए बिना पानी कहते मणि इत्यादि के हम रह सकते हैं, लेकिन बिना पानी और बिना वायु तो उसको उन्होंने फ्री बना दिया।
यदि ये सब भी महंगा होता, हवा प्रकाश, तो फिर तो केवल धनी लोग ही जी सकते। तो इससे सिद्ध है कि राम गरीब निवास। ऐसा राम अवतार लेके सबका कल्याण करता है। इस तरह यहां पे संक्षेप में बोल दिया, मूल में ऐसे थोड़ा संकेत किया, आगे तो वर्णन हो गई। उसके बाद सबको फिर प्रणाम किया, ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, वीर भगवान को प्रणाम किया, हाँ, और वाल्मीकि जी को प्रणाम किया, सबकी वंदना की। और उसके बाद वंदन करते हैं रामायण में आने वाले जितने पात्र, सबकी वंदना। सबसे पहले अयोध्या की वंदना की 15वें दोहे के बाद, बंदौ अवध पुरी अति पावन। अवध, अवध मतलब जहां पे वध न हो, अवध अयोध्या। अपने अंतकरण में भी जब शांति होगी ना, तभी राम जी का अवतरण अंतकरण में होगा। हम देखेंगे, एक बाहर अवतार होता है, एक भीतर। बाहर का अवतार तो हर वर्ष मनाते ही है, लेकिन जब तक अयोध्या में, मन रूपी अयोध्या में आनंद रूपी राम का अवतरण न हो, तब तक रामनवमी सार्थक। खेलति मम हृदये श्री राम, शांति विदेह सुता सदचारी, दहर अयोध्या नगर बिहारी। संस्कृत में भजन है, उसमें अंदर के रामायण की चर्चा है। सीता की शांति है, आत्मा राम है। राग द्वेष महासुर मारी, सारे असुर है। बाहर तो राम जी ने काम कर दिया, रावण कुंभकर्ण सबको मार दिया, लेकिन अंदर बैठे आप से सबको, कुंभकर्ण का प्रभाव दिखता है नहीं सबसे। हाँ आता है भी, मैं भी हूं अभी, मरा नहीं हूं। राग द्वेष महास, शांति विदेह। तो अयोध्या बनाना पड़ेगा, तब राम जी का प्राकट्य। अयोध्या को प्रणाम, कौशल्या जी को प्रणाम। ये कौशल्या मतलब कुशल बुद्धि, अपनी जो सूक्ष्म बुद्धि है ना, उसी को कौशल्या। दृश्यते तो अग्रया बुद्धया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी, कठोपनिषद् सूत्र। मतलब आत्मज्ञान वही होता है जहां बुद्धि कैसी हो, सूक्ष्म। और लोग बोलते हैं स्थूल, इसलिए वेदांत इत्यादि समझ में आता नहीं ना कई बार, बोले ऊपर से जा रहा है, हम कहते थोड़ा सी ऊपर कर लिए तो अटक जाए। तो जब बुद्धि सूक्ष्म होती है, तब अंतर्यामी राम का अनुभव होता है। ये बात तो कौशल्या, कौशल्या जी को प्रणाम किया। फिर यहां दशरथ जी को प्रणाम किया। और यहां देखते हैं जो व्यक्तित्व का मूल स्वभाव है ना, एक एक पात्र का, उसको छू दिया, स्पर्श किया है और प्रणाम किया है। अब जैसे यहां दशरथ जी में मूल भाव क्या है, वो भगवान के अत्यधिक प्रेमी, अनन्य भक्त है। राम जी का वियोग होने पर एक क्षण भी वो जी नहीं पाए। तो यहां देखो 16वें सोल्ठे में, बंदौ अवध भुवन सत्य प्रेम जहि राम पद, विचुरत दीन दयाल प्रियतनु तृण इव परिहरिहु। भले दशरथ जी को हम प्रणाम करते हैं, ये कैसे हैं जिनका राम जी के प्रति जो प्रेम है वो सत्य प्रेम, बहुत सुंदर। प्रेम का प्रमाण क्या है कि जिसका वियोग व्यक्ति सहन न कर पाए। वियोग होने पर भी बड़े आनंद से मिलते प्रेम था। जब किसी बड़ा प्रेम होता है तो वो चला जाता है, तो क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, आई एम मिसिंग। हम लोग भगवान को भी मिस करते हैं क्या? तो भगवान को, जब हम भगवान को मिस करने लगे, तब तो समझना चाहिए भक्ति जाते।
बिना भगवान के बढ़िया चल रहा है। हाँ, यहाँ कहते हैं बिछुरत, जैसे वियोग हुआ घास के तिनके की तरह उन्होंने अपने देह को छोड़ा। प्रेम की पहचान दो चीजों से होती है, एक है आइडेंटिफिकेशन तादाद में और दूसरा है बलिदान। जब आप किसी के लिए बलिदान कर रहे हो, इसका मतलब आपका उसके प्रति प्रेम है। देशभक्त लोगों ने अपने देह को ऐसे ही छोड़ दिया, प्राण प्रिय देह वो छोड़ दिया राष्ट्र के लिए। जिसको देश से प्रेम है वो देह को छोड़ेगा, जिसको देश से प्रेम है वो देश छोड़ेगा, हो जाए ना। देह के लिए देश जाए भाड़ में, कहां प्रेम है ये इससे समझ में आता है कि आप क्या छोड़ रहे। सत्संग के लिए घर छोड़ा मतलब सत्संग से प्रेम, घर के लिए सत्संग छोड़ दिया मतलब। हम हमेशा एक किस्सा बताते हैं, एक कोई व्यक्ति आ रहा था सत्संग में, उसका मित्र आ गया। उस मित्र ने कहा जा रहे हो सत्संग में, महात्मा वो तो ऐसे आते रहते हैं, कहा चलो सिनेमा छोड़। वो व्यक्ति रोज सत्संग में आ रहा है लेकिन वो नहीं आया। दो दिन बाद आया तो महात्मा जी ने पूछा, अरे तुम कहां थे दो दिन? अरे वो मित्र आ गया, उसने आग्रह किया तो हम चले गए। अरे बोले लेकिन आप सत्संग में क्यों नहीं है? बोले नहीं, मैं यदि नहीं जाता तो उसको बुरा लगता। तो महात्मा जी ने कहा कि हमको बुरा लगेगा ये आपने नहीं सोचा। तो वो व्यक्ति कहता है, महाराज आप तो अच्छे बुरे के परे। अब महात्मा जी चुप क्या बोले, ऐसा उसने गुगली डाली। तो किसके लिए क्या त्याग कर रहे हैं, इसमें से समझ में आता है हमारा मन कहाँ है। तो आप लोग सब इतना दूर दूर से आए, प्रिफरेंस प्रायोरिटी आपने प्रधान था। तो यहां दशरथ जी ने देखी, फिर आगे कहते हैं जनक जी को प्रणाम। जनक महाराज, जनक जी कैसे हैं? विदेहराज, जिन्होंने जोग भोग महाराज हुए, अपने ज्ञान को छिपा के रखा, भोग में दिख रहे हैं वो राजा लेकिन ये वर्षों में वो ज्ञानी आ गया है ना। तो ऐसे जनक जी को प्रणाम, उसके बाद भरत जी को प्रणाम। भरत जी का मूल स्वभाव क्या बोले, ये भी राम प्रेम। प्रणव प्रथम भरत के चरणा, जासु नेम व्रत जाइन वरना। 16वें दोहे के बाद 16 के बाद थर्ड तो भाई सारे इतने रामायण के अपने पात्र सबको प्रणाम। भरत बोले जिनका नेम और प्रेम वर्णन नहीं किया जा सकता, नियम और प्रेम, और ऐसे लोभी है महाराज की सब कुछ छोड़ दिया। नंदीग्राम में जमीन के बीच है। उसके बाद लक्ष्मण जी को प्रणाम। लक्ष्मण जी का बहुत बढ़िया वर्णन किया। बोले ये लक्ष्मण जी कैसे हैं? बोले आपने ध्वज देखा है कि झंडा, बोले एक होता है झंडा और एक होता है डंडा, डंडे के ऊपर झंडा होता है ना। लिखते हैं रघुपति कीरति विमल पताका। बोले लक्ष्मण जी कौन है? तो डंडे की तरह है, दंड की तरह। डंडा क्या करता है? ध्वज को ऊपर ले जाता है। राम जी की कीर्ति को जो ऊपर ऊपर ले जाए वो लक्ष्मण जी। और लक्ष्मण जी में कितना त्याग है देखो। प्रणाम सलाम किसको करते हैं? ध्वज को। डंडे को कोई सलाम नहीं करता, लेकिन ध्वज की स्थिति किसके कारण है? डंडे के कारण। लक्ष्मण जी कहते हैं हमको नहीं सलाम दीजिए, सलाम उन्हीं को कीजिए, हम तो बस उनको ऊपर। और देखो डंडे का एक दूसरा काम भी होता है, तो जो राम जी का विरोध करता है हम डंडे की तरह। रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयो दशरथ। ऐसे लक्ष्मण जी
फिर शत्रुघ्न जी को प्रणाम। शत्रुघ्न जी कहते हैं तो नाम ही इनका कहें शत्रुघ्न, शत्रु को मार दे वो है शत्रु। शत्रुघ्न जी तो किसको मारा नहीं। आप रामायण देखते हैं शत्रुघ्न जी बिल्कुल साइलेंट मोड में है, मोबाइल की भाषा में एकदम शांत है, कहीं दिखते ही नहीं। तो कौन से शत्रु को मारा? सबसे बड़ा शत्रु जो सबके भीतर बैठा है वो है अहम, अहंकार। शत्रुघ्न जी जो है ना दासानुदास, राम जी के दास लक्ष्मण जी और लक्ष्मण जी के राम जी के भरत, भरत जी के पीछे रहते। अहंकार तो सबसे बड़ी बाधा है। ज्ञान मान जन एको मन अमानित्वम, ये शत्रुघ्न जी ने सूच किया है। तो ऐसे शत्रुघ्न जी को प्रणाम। अब ये इसी प्रसंग पे पांच दिन चर्चा हो सकती है, इतना ही। और फिर हमारे आदर्श भक्त राम भक्त श्री हनुमान जी महाराज, उनको वंदन। प्रणव पवन कुमार प्रलवन पावक ज्ञान जन व्यासुदयागार बसहि राम सरचाप गगन। श्री हनुमान जी महाराज को प्रणाम। इन्होंने हृदय में ही किसको रखा हुआ है? राम जी से। आपने देखा हो जो एक क्षण भी राम जी को छोड़ते नहीं। अभी तो पूरा सुंदर कांड हनुमान जी के लिए समर्पित। दुनिया में दो ही लोग सुंदर हैं, एक है भगवान और दूसरे भगवान के भक्त। तो सुंदर कांड में इन दोनों का वर्णन है, राम जी का और श्री हनुमान जी। और हनुमान जी की विशेषता ये है कि पूरे रामायण को आप पढ़ लीजिए, उन्होंने एक भी संकल्प अपने लिए नहीं किया, एक भी कार्य अपने लिए नहीं किया। आप पढ़ लीजिए ऐसे भक्त। उसके बाद गोस्वामी जी सारे वानरों को प्रणाम करते हैं, वीर रामवान जी इत्यादि, क्योंकि बोले इनके ये सब वंदनीय हो गए। क्यों? क्योंकि इनके चरण राम जी के पीछे थे। तो क्या बढ़िया बात, जो वंदनीय है उसके पीछे चले तो आप भी वंदनीय। उसके बाद सुख सन कादि जिन जिन लोगों ने राम जी के यश को गाया उन सबको प्रणाम। फिर जनक सुता जग जननी जानकी, जानकी माता को प्रणाम। और वो कौन है माता जी? अतिशय प्रिय करुणा निधान। ऐसा कहते हैं सीता जी जब राम जी को बुलाती थी तो करुणा निधान इस शब्द से बुलाती थी, करुणा निधान। आजकल अलग है, नहीं बोल पाया। बोल ठीक नहीं करुणा, इतना बढ़िया प्रसंग चल रहा है कि कुछ याद आते रहता है। ताके युग पद कमल बनाऊं जास कृपा निर्मल मत पाओ। यहाँ जानकी माता को प्रणाम, बोले इनको प्रणाम करने से क्या होगा? इनके आशीर्वाद मिले और इनके आशीर्वाद से मेरी मति निर्मल हो। संत लोग कहते हैं ये रामायण की गायत्री है। गायत्री मंत्र में क्या बोला है? धियो जो न प्रचोदयात। हमारे गुरु जी स्वामी सुभद्रा जी ने ये बात की कि जान क्या है गायत्री है ये रामायण की ये मंत्र। यहाँ पे आप देखेंगे रामायण की एक एक चौपाई को मंत्र के साथ उसको जोड़ा गया, मतलब मंत्र में जितनी शक्ति है उतनी चौपाई होगी। कहते हैं एक बार सूरदास जी से किसी ने पूछा कि आपकी कविता श्रेष्ठ है कि तुलसीदास जी? तो सूरदास जी ने कहा हमारी श्रेष्ठ है तुलसीदास जी का। बोले अब इतने अभिमानी होते हैं अपनी कविता को उनसे ज्यादा श्रेष्ठ बोलते। सूरदास जी ने कहा मेरी तो कविता है, उनकी कविता नहीं है उनके मंत्र है। तुलना तो दो कविता से होगी ना। ऐसी ऐसी चौपाइयां हैं लोगों ने जिनको सिद्ध किया।
मंत्रवत सबको प्रणाम किया और मुख्य राम जी को प्रणाम मन वचन कर्म रघुनायक चरण कमल बंधो सोलाय मनसा वाचा कर्मणा राम जी को प्रणाम कर दे उनका तो पूरा चरित्र देखेंगे। देखो अब इन सारे प्रणामों में आप देखते हैं सब धीरे 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 ना शत्रु भरत जी को प्रणाम किया शत्रुघ्न जी को लक्ष्मण जी को हनुमान जी को सीता जी को और अंत में राम जी को हायर आदि की होती ना नीचे से ऊपर ऊपर बोले आप समझ में आ गया राम जी सबसे ऊपर बोले गलत अभी तो जो मुख्य है उनको तो प्रणाम किए ही नहीं मतलब राम जी से बड़ा राम जी का नाम तो अब आगे का जो प्रकरण है 18वें दोहे से लेके लगभग 9 दोहे तक 8-10 पेज है उसमें किसकी वंदना है नाम तो ये ऐसा प्रकरण है इसके ऊपर 9 दिन प्रवचन अंत में निकला यह परिणाम राम से बड़ा राम का नाम बोले बंदो नाम राम रघुवर को हेतु कुसानु भानु भीम कर इतना प्यारा वर्ण है राम का इतना विस्तार से र क्या है मो क्या है बोले र और मो ये अग्नि सूर्य और चंद्र के प्रति तीनों में प्रकाश है शीतलता भी है और ऊर्जा भी है अग्नि की तरह पाप को जलाने की ताकत भी ऐसा कहते हैं नामनोस्ति तावती शक्ति पाप निर्दहरण हरे तावत कर्तुम न शक्नोति पातकम पातकी जनाः बहुत जबरदस्त श्लोक बोले नाम में इतने सारे पापों को मारने की शक्ति है कि उतने पाप हम कर भी नहीं सकते इतने सारे पापों को मार सकते उतने पाप हम नहीं कर सकते। मराठी में एक है पर्वत जलती तो पापा घेता नाम विपुआ भगवान का नाम लेने से यदि पर्वत इतने भी पाप के वो एक क्षण बसों ऐसा यहां पूरा यहां वर्णन है बोले महामंत्र जो जपत महेश शिवजी भी श्री राम जय राम जय जय राम और काशी में जो भी मरता है उसके कान में आके तारक मंत्र ही डालते यही तारने वाला मंत्र है सबसे बड़े यदि कोई वैष्णव है वो शिवजी है काशी मरत मुक्त कहत करत राम वजन गाते ना प्रेम अमोदित मन से कहो राम उसमें आती राम फिर कहते हैं इसकी महिमा गणेश जी जानते हैं इसकी महिमा आदि कवि वाल्मीकि जानते हैं मरा मरा फिर आगे वर्णन है इसकी महिमा को भगवान शंकर ने भवानी पार्वती को बताया हुआ ये कि पार्वती की रोज विष्णु सहस्त्रनाम बोलती थी और हुआ ये कि अब उनके दो पुत्र हैं गणेश जी और कार्तिक और क्या कहते गजानन षडानन अब उन दोनों को स्कूल में जाना है दोनों को तैयार करना है भोजन बनाना है विष्णु सहस्त्रनाम भी बोलना है अब हुआ ये सब करने में शिव जी को भूख लग रही है बोले हमको क्या भोजन बोले अभी उनको अभी तो इनको तैयार किया अभी विष्णु सहस्त्र नाम बोलेंगे उसके बाद बोले बाप रे मतलब कम से कम आधा घंटा यस्य शरण वाते न जन्म संसार वंदना शिव जी ने कहा ऐसा करो आप राम नाम बोलो वन राम नाम इज इक्विवेलेंट टू विष्णु सहस्त्र नाम राम रामे थी रामे थी रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम बोलना राम हो गया बड़े स्वामी जी आपने बहुत बढ़िया बात बोली करेंगे
भाई उसके लिए पहले पार्वती की तरह आपका व्यक्तित्व होते हैं तो ओके। कहने का अर्थ है ये राम नाम की इतनी महिमा है। शिव जी कहते हैं ब्रास हजार नाम के बराबर। उसके बाद यहाँ पे कहते हैं ये राम नाम कैसा है, 19वां दोहा देखिए तो कहते हैं इस राम नाम से आपके हृदय में वर्षा होगी। इसको ये वर्षा होती वर्षा ऋतु रघुपति भगति तुलसी सारी सुदास राम नाम भर भरन जुग सावन भालो मास सियावर रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की उमापति महादेव की बोलो भाई सब संतन की। कहते हैं एक ऋतु है जिसका नाम है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु कब होती है तो बोले श्रावण और भाद्रपद सावन भाद्र खूब बरसता है बहुत सुंदर है। बोले ये राम और म क्या है सावन भाद्र मतलब राम 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 यदि कहेंगे तो अंतकरण में भक्ति की पुष्टि होगी। अंतकरण गीला हो जाएगा भक्ति से आप्लावित हो जाएगा जो अभी बिल्कुल रेगिस्तान बना हुआ है दंडकारण्य बना हुआ है। दंडकारण्य भी इसी हो गया था जब राम जी आ गए तो हरा भरा हुआ। तो बोले ऐसा ये सूखा मन हरा भरा हो जाता है गीला हो जाता है यदि सावन और भाद भादो के दो महीने राव और मह ये अपने जीवन में आए। अच्छा भैया क्या लिखते हैं तुलसी सारी सुदास जब श्रावण और भाद्रपद होते हैं वर्षा को होती है वर्षा होने से फसल जो है वो खूब प्रसन्न होती है लहलाती है। तो यहाँ कहते हैं जितने सुदास है मतलब तो राम जी के भक्त है वो बड़े खुश होते हैं वो फसल की तरह है बड़े नाचते हैं गाते हैं कब जो उनके जीवन में राम 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 तो कैसी कैसी कविता है। राव और क्या हो गया सावन में फसल क्या हो गई भक्त और भक्ति क्या हो गई वर्षा। इस रामचरितमानस में तीन प्रकार की भक्ति बताई है वर्षा भक्ति मणि भक्ति और नदी भक्ति। भक्ति को तीन चीजों से तोड़ा गया है तुलना की गई है तो भक्ति वृष्टि बारिश होनी चाहिए आगे में नदी की तरह होती बहती और अभी देखेंगे दिया की दीपक की तरह। तो ऐसे ये राम नाम में ये सामर्थ है यदि अंतकरण में भगवान के प्रति कोई क्या कहते झुकाव नहीं है प्रेम नहीं है तो बोले आज से शुरू करो श्री राम जय राम जय जय राम गोस्वामी जी का ये अनुभव है। फिर तो गोस्वामी जी को इतना मजा आ गया राव और म इस राव और म है दो अक्षर हैं तो जहां जहां उनको दो दो दिखे ना बोले उनसे राम इतना मजा आ गया। बोले जैसे शरीर में दो नेत्र है वैसे ये राव और म फिर जैसे कोई सुंदर युवती होती है उसका सौंदर्य बढ़ जाता है जब दो ईयर रिंग लगाते हैं बोले भक्ति रूपी युवती के लिए राव और म ईयर रिंग की तरह। फिर दो क्या है तो बोले कच्छप और शीर्षनाग की तरह आधार देने वाले पृथ्वी को आधार देने वाले के लिए कछुआ और शीर्षनाग पुराणों में वर्णन है। तो ऐसे दो 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 जब हम कोई वस्तु पदार्थ खाते हैं दो चीजों का अनुभव होता है एक है स्वाद और तृप्ति। तो स्वाद दोष सुख की सुधार ये राम राम करेंगे तो जीवन में दोनों चीज आ जाएंगी जीवन में रस आएगा तृप्ति आएगी ऐसा यहाँ पे सारा वर्णन किया है। और कहते हैं यदि नाम और रूप दोनों की आप तुलना करें तो गोस्वामी कहते हैं ज्यादा नंबर तो राम को ही देंगे नाम को ही देंगे एक तरफ राम रूप और एक तरफ राम नाम। बोले क्यों नाम को बोले इसका कारण ये है
कि बिना रूप के सामने होते हुए भी यदि नाम हो तो नाम रूप को खींच ले आता है। याद से सुनना, और रूप सामने हो लेकिन यदि नाम मालूम ना हो तो उसकी पहचान नहीं होती। तो नाम ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये कहते हैं रूप विशेष नाम बिनु जाने करतन गतन पर ही पहचान। तो बीसवें दोहे के बाद पांचवें दोहे पर रूप सामने है हाथ में लेकिन नाम न होने का। कई बार होता है ना किसी व्यक्ति को देख भी लेते हैं, अब किसी ने पूछा आप उनसे मिले क्या, आपने देखा क्या, बोले नहीं मिले। अब वो सामने बैठा है व्यक्ति इतनी देर तक देखा है लेकिन नाम न मालूम होने के कारण परिचय या पहचान। अच्छा रूप कहीं दूर है लेकिन आप बस नामोच्चार कर दीजिए मन में पूरा उच्चार। कोई आपका प्रिय व्यक्ति है वो अमेरिका में है, आप उसकी चर्चा छेड़ दीजिए एकदम बस आपको में। अच्छा और ऐसा है कि जो जो नामी है ना, मतलब जिसका नाम है उसके साथ आपका एक ऐसा संबंध है उसके अनुसार नाम उच्चारण से वो भाव भी आ जाते हैं। केवल उसकी याद ही नहीं आती बल्कि उसके साथ सारी भावनाएं आ जाती है। यदि किसी ऐसे व्यक्ति का नाम सुबह सुबह ले लिया जाए जो आपको प्रिय नहीं है, अरे बोले सुबह सुबह आपने ऐसा आप पूरा दिन जो है वहां यश स्मरण आते हैं, अरे बोले अंग्रेजल नाम ही नहीं, अरे नहीं नहीं सारी याद आ गई मेमोरी, 5 साल पहले उसने मुझको कहा था मैं मूर्ख हूं अपमान किया था वो सब याद आ गई। ठीक इसके उल्टा यदि कोई आपका प्रिय हो नाम के उच्चारण से नामी याद है। इसलिए गोस्वामी कहते हैं कि नाम जो है वो मालिक है और नामी जो है नौकर है। राम जी नौकर है किसके, नाम के। अरे वाह राम कहते राम जी लौट गए, जैसे आप किसी रामू तुरंत आता है। सेवक प्रभु अनुगामी, और यहां कहते हैं इस नाम को नाम एक दिए की तरह। दीपक को यदि आप देहरी पर रखते दरवाजे के बीच में तो अंदर भी प्रकाश हो बाहर भी प्रकाश। तो राम नाम मणि दीप धरु जीह देहरी द्वार 21 में कहते हैं यदि राम नाम को यदि आप मुख में रखेंगे तो अंदर भी प्रकाश और बाहर। इसे महाराज जी कहा अखंड आदमी महाराज बोले आप कौशल्या और दशरथ की तरह इतने बड़े तो भक्त नहीं कि आप राम की पाव करी कर दे, लेकिन बोले आप अपने जुआ पे नाम भगवान को जरूर अवतरित कर सकते। एक है राम अयोध्या में अवतरित होता है, नाम कहा अवतरित होता है जी नाम भगवान। गुरु जी ने बड़ी अच्छी बात कही, बोले देखो जो चीज आपके वश में है वो आपकी है। राम जी के रूप को लाना आपके वश में नहीं है लेकिन नाम पुकारना आपके वश में कभी भी आप। और नाम में आशा ये है कि आप सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते तस्मात सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर युद्ध, तो बाकी चीजों में तो बड़ा शर्त है। हवन करना है तो बोले पहले नहा के आओ, पंडित जी नाराज हो गए। एक व्यक्ति से जाके बैठ गया, पंडित जी ने कहा आपका ही हम हवन कर देते हैं, हवन के लिए बिना आपकी आओ। तो नाम की साधना में आसान ऐसा ये नाम राम से भी बड़ा। और यहां तक गोस्वामी ने सिद्ध कर दिया कि निर्गुण और सगुण दोनों से बड़ा राम।
उन्होंने सिद्ध किया। आगे का एक प्रकरण है उसको कहते हैं नाम रामायण। ये 23वें दोहे के बाद की जो चौपाइया है 23 से लेकर 25 तक, इसको कहते हैं नाम रामायण। इसमें यह सिद्ध किया कि जो काम राम नहीं कर सके वो नाम नहीं किया। राम जी ने तो एक दंड कारण्य को पवित्र किया, लेकिन नाम ने तो अनंत मन को पवित्र कर दिया। राम जी ने केवल खर दूषण और ताड़का को मारा। इसके सबके आध्यात्मिक अर्थ दिए कि खर दूषण कौन है, दुख दुराशा इत्यादि। नाम से अपने भीतर के संबंध, नाम ने मरने अनंत लोगों के भीतर ही असुर जो बैठे उनको नष्ट किया। इसलिए सिद्ध ये होता है कि ब्रह्म राम दे नाम बड़ वरदायक वरदानी 2500 राम चरित सत कोटि मह लिय महेश जिय जानी। सिद्ध ये हो गया कि राम तो ब्रह्म से भी बड़ा है नाम, निर्गुण राम से सगुण, और ये शिवजी जानते हैं। इसलिए शिवजी ने पूरे रामायण में से किसको ले लिया, बोले राम नाम को ले लिया बस। ऐसा कहते हैं शिव जी ने 100 करोड़ रामायण की रचना की। 2 मिनट लेता हूं पूरा करता हूं। इतने 100 करोड़ रामायण, तो इतने रामायण बने तो सब लोग उनके पास हैं। हमको दीजिए, हमको देवताओं ने कहा हमको दीजिए, मानवों ने कहा हमको दीजिए, असुरों ने कहा हमको भी सुनाइए। तो कहते हैं 100 करोड़ रामायण का विभाजन किया गया 3 भागों में, 33 करोड़ 33 करोड़ 33 करोड़। कितना बच गया, मेरी गिनती जरा कड़ी कमजोर है, 1 करोड़ बच गया। बोले अभी भी तो 1 करोड़ रामायण बचे, वो भी दीजिए। फिर उसका विभाजन हुआ, 1 करोड़ को 3 से भागेंगे, 33 लाख 33 लाख 33 लाख। फिर कितना बच गया, 1 लाख। 1 लाख को 33,000 ऐसा करते करते आखिरी में क्या होता, 1 श्लोक। शिवजी ने कहा कृपा करके 1 श्लोक तो मेरे पास रखेंगे। आखिरी में डिवीजन इज पॉसिबल, अब क्या है, बोले अभी इसमें 32 अक्षर है, तो 32 में ऐसा करते 10-10 हो सकते, 10-10 बांट दी। रह गया क्या, राम शिवजी का काम की चीज रखी। इसलिए राम राम राम, तो यहां वही वर्ण, रामायण सत कोटि अपारा चरितम रघुनाथस्य शत कोटि प्रविष्टम एकैकमक्षरम पुंसां महापाठकम। तो इस तरह यहां नाम को प्रणाम किया और सबसे ऊंचे पेडेस्टल पे गए, सबसे ऊंचे नाम को। कोई कहेगा महाराज आप जरा ज्यादा ही बोल रहे हैं, ज्यादा अगर कुछ नहीं है, कम ही बोला जा रहा है। अब इसमें मैंने बताया ना, नाम में इतनी शक्ति है, पापों को मार रही उतना हम कर भी नहीं सकते। गुरु जी बड़ा अच्छा कहते हैं, बोले हम लोगों को अपने नाम पर बड़ा विश्वास होता है, राम नाम पर कोई विश्वास। जब कोई ऑफिस में काम नहीं हो रहा है कुछ, बोले अरे मेरा नाम बोलना हो जाएगा काम, वहां जाते बोले कौन, इसको बड़ा लगता है पूरी दुनिया इसको जानती है। मेरे नाम से काम हो सकता है तो राम नाम से क्यों, वो तो जो करता है ना वही जानता है। कहते हैं जैसे पूर्व पाप से भूख विदा हो जाए, जैसे ज्वर के वेग से भूख विदा हो जाए, तैसे पूर्व पाप से हरि चर्चा न सुधाए। नाम में कथा में रस किसको नहीं आता है, विश्वास किसको नहीं होता, पर डरा दे आपको डरिएगा नहीं। यदि नाम में मजा नहीं आ रहा है, सत्संग में मजा नहीं आ रहा है, पाप की संख्या बहुत है। बोले जैसे बुखार आने पे भूख विदा हो जाती, ऐसे ही ये पाप जो है वो बाधा बन जाए। पापों को कहा है
प्रतिबंधक नाम में भी मिले नींद आ रही थी। पाप के लिए क्या है, एक पायलट क्या है, नींद, पाप का सेवा। तो ये पाप बाधा बनते हैं, इस कारण नाम में रस नहीं आता है। उड़िया बाबा जी महाराज भी कहते हैं, एक बोले हमको मजा ही नहीं आता, विश्वास नहीं होता। बोले जरूर अभी काफी आपको कमाई करनी है, पीछे तो कुछ कमाई की नहीं है। ऐसा यहाँ पे नाम की बात। और अब उसके बाद अगले से हम कथा में प्रवेश करेंगे। वंदन भक्ति हो गई, सबको प्रणाम हो गया। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।